Hello everyone. In this video, we study about the 12 schedules. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 12 शेड्यूल्स हैं, आज हम उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे. So basically there are 12 schedules in the Indian Constitution. और हर शेड्यूल पर एक सब्जेक्ट मैटर है जिससे वो रिलेट करता है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट शेड्यूल के बारे में. Name of the states and their territorial jurisdiction, names of the union territories and their extent. First schedule में states और उनकी territorial jurisdiction के बारे में description है, union territories के बारे में description है. Second schedule में provision relating to the emoluments, allowance, privilege and so on of the President of India, Governor of states, the speakers and deputy speakers of Lok Sabha, the chairman and deputy chairman of Rajya Sabha, the speaker and the deputy speakers of legislative assembly in the state, the chairman and the deputy chairman of the legislative council in the state, the judges of the Supreme Court, the judge of the High Court, comptroller and auditor general of India. Second schedule mein in sabhi ke emoluments, allowance ke bare mein description hai. यानी कि टोटली इनकी मतलब सैलरी कितनी है या सब इसके बारे में सब कुछ सेकंड शेड्यूल में है. अगर हम थर्ड शेड्यूल की बात करें, फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेटिव्स, द यूनियन मिनिस्टर्स, द कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टू द पार्लियामेंट, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सब के ओथ के बारे में थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ है. किस किस के बारे में? द यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स, कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टू द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. द स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स, द कैंडिडेट ऑफ इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द जज ऑफ द हाई कोर्ट. इन सबकी ओथ के बारे में भी शेड्यूल नंबर थर्ड में डिस्क्रिप्शन है. अगर हम फोर्थ शेड्यूल की बात करें, एलोकेशंस ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी, मतलब किसी भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, कितनी सीट्स अलॉट की जाएंगी, ये सब फोर्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है. अगर हम फिफ्थ शेड्यूल की बात करें, तो प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलर ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स. फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है. अगर हम सिक्स्थ शेड्यूल की बात करें, तो प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी जगहों पर जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके बारे में जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, वो सिक्स्थ शेड्यूल में दिया गया है. सेवन्थ शेड्यूल बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है. सेवन्थ शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल में हमको तीन तरह की लिस्ट देखने के लिए मिलती हैं. फर्स्ट होती है यूनियन लिस्ट, इससे क्वेश्चन भी अराइज होते हैं. तो फर्स्ट होती है यूनियन लिस्ट, जिसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 100 सब्जेक्ट्स होते हैं. सेकंड होती है स्टेट लिस्ट, उसमें 61 सब्जेक्ट होते हैं. थर्ड होती है कंकरेंट लिस्ट, इसमें 52 सब्जेक्ट्स होते हैं. तो इन सभी लिस्ट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, ये एक इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है, सेवेंथ शेड्यूल, इसमें दिया गया है. और किस लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. अगर हम एट्थ शेड्यूल की बात करें, तो लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस. इंडिया में टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो उसकी जो लिस्ट है रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस की, वो एट्थ शेड्यूल में दी गई है. अगर हम नाइन्थ शेड्यूल की बात करें, देन वैलिडेशंस ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन. जो भी एक्ट पास होते हैं या जो रेगुलेशंस हैं इंडिया में, वो सभी नाइन्थ शेड्यूल के अंडर आते हैं. टेंथ शेड्यूल की बात करें, तो प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिटेक्शन. प्रोविजन है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिटेक्शन, तो ये सब आपका टेंथ शेड्यूल में आएगा. इलेवेंथ शेड्यूल की बात करें, तो पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत. तो जो पंचायती राज व्यवस्था हम जिसे कहते हैं, वो आपके 11th शेड्यूल
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, मतलब पंचायती राज की जो पावर अथॉरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो एक्ट उसके अंडर में आते हैं, वो सब कुछ आपका 11th शेड्यूल में आएगा। 12th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपालिटीज, म्यूनसिपालिटी को लेके जो पावर है, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब कुछ 12th शेड्यूल में आता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं, से क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस शेड्यूल में आती है, 11th में आती है, और म्यूनसिपालिटी वो 12th शेड्यूल में आती है। लैंग्वेजेस के बारे में आपका 8th शेड्यूल में आता है। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट 12 शेड्यूल्स। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।